वैसे तो पुलिस अधिकारी अमूमन सड़कों पर अपराध वाली सड़कों चौराहों पर दिखते हैं, लेकिन अब वह विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी का पाठ पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार यूजीसी के कई सिलेबस में साइबर सिक्योरिटी कोर्स को भी शामिल किया जाएगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरी मिश्र ने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत कुलपति रेणु जैन की उपस्थिति में की। इस दौरान तकरीबन 200 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति व कई अधिकारियों के साथ इस संबंध में विशेष चर्चा की गई। चर्चा में विशेष रूप से यूजीसी द्वारा प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की जानकारी ली गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वर्तमान में तकनीकी दौर में जिस तरह से सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो अपराध और अपराधी नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में साइबर क्राइम बढ़ेगा। यदि वर्तमान समय से ही इन विषयों की बारीकियां आने वाले पाठ्यक्रम में शामिल की जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। वहीं साइबर क्राइम को लेकर पुलिस के नए कोर्स को लेकर विद्यार्थी भी उत्साहित नजर आए। बढ़ती हुई चुनौतियों के अनुरूप ढालना किसी भी संस्था को मजबूत बनाती है। हाल के दिनों में साइबर सिक्योरिटी न सिर्फ किसी खास विद्यार्थी के लिए बल्कि आम व्यक्ति के लिए उतनी ही आवश्यक पाठ्यक्रम बन गया है। ऐसे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तरह एक बड़ा ही नवीन और अभिनव पाठ्यक्रम का शुरुआत की गई है, जिसमें खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी से जुड़े जो विभिन्न तथ्य हैं और उसके विभिन्न जो नई नई अद्यतन चुनौतियां हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये 4 महीने का पाठ्यक्रम होगा। इसमें खास बात यह हुई कि चूँकि उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, उस पुलिस के पास उस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, इसलिए पुलिस विभाग भी यहाँ खासतौर पर जो क्राइम ब्रांच है और उसमें साइबर की जो टीम है, इस पाठ्यक्रम में समय समय पर आकर के जो नवीनतम चुनौतियाँ हैं, जो लगातार नए चुनौतियाँ आ रही हैं, उसके बारे में स्टूडेंट से मिलेंगी, उनके जिज्ञासाएँ हैं उनका समाधान करेंगी और नए जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नई चुनौतियाँ आ रही हैं उनसे अवगत कराएंगी। खासतौर पर इस पाठ्यक्रम से युवाओं को काफ़ी लाभ होगा और मैंने इसमें जिक्र भी किया, मैंने अनुरोध भी किया कि इस तरह के पाठ्यक्रम न सिर्फ किसी खास बच्चों के लिए होना चाहिए बल्कि एक विश्वविद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि तकनीक का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समावेश है और इस चुनौती से हर व्यक्ति को कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। बहरहाल ये पाठ्यक्रम काफ़ी उपयोगी है और आने वाले दिनों में युवाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। इस पाठ्यक्रम के जब पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा तो पुलिस की किस तरीके से साइबर की मदद होगी? मुख्य तौर पर इससे जुड़ा हुआ जो व्यवहारिक पक्ष है, जो व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं, जो व्यवहारिक समस्याएँ हैं, पुलिस के पास आती हैं और ये चुनौतियाँ लगातार बदलती रहती हैं। इसमें इसलिए पुलिस जो अद्यतन चुनौतियाँ हैं उससे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उससे लगातार उनको वाकिफ रखे, उसके बारे में अवगत कराती रहे, इसलिए पुलिस का जुड़ना जरूरी था और पुलिस इस पाठ्यक्रम का हिस्सा रहेगी। खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लगातार, हमारे जो युवा अधिकारी हैं, लगातार उनसे अद्यतन होते रहेंगे, उनसे उनके साथ क्लासेज लेंगे, उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और उनके जो भी शंकाएँ हैं उनका समाधान करेंगे। सर, आप लोगों की तरफ से जितने प्रकरण सामने आते तो क्या उसकी केस स्टडी भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी? आप लोगों को केस स्टडी निश्चित तौर पर बताया जाएगा ताकि पाठ्यक्रम और ज़्यादा उपयोगी बन सके। थैंक यू। हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा हमको इसको, ये कोर्स करने से, कि हमको अवेयर किया जाएगा साइबर क्राइम्स के लिए, बिकॉज अभी हम जो देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराया जा रहा है, तो हमारे लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ से सीखने के बाद आप समाज में इसको आम करेंगे संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो भी यहाँ से सीखूंगी मैं अपने घर पर भी बताऊंगी और मैं मेरे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं सभी को मैं इससे अवेयर करूंगी, जितना हो सकेगा मैं सबको साइबर क्राइम से बचाने की कोशिश करूंगी। आपका परिचय? अंजलि जाकर।